हम अभी छोड़ रखा है, अभी हम वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, तो उसी चैनल पे आएगा, उसी चैनल पे हमारी की आएगी। सब मौका मिला है और रेड फोर्ट नहीं देखा तो भाई मेरा मन ना ऐसे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा तब। तो ये काफी सुंदर गुरुद्वारा है। तो ये गौरी शंकर का मंदिर, और अच्छी जर्नी है, थोड़ी पेनफुल भी रहेगी। ठीक है, जैसे आप पुणे से रहते हो, हम दिल्ली से रहते हैं, तो ब्लॉग करने के लिए आप यहाँ तक आए हो, इट्स वेरी ग्रेटफुल। कुछ ना कुछ कर रहे हो और ये चीज आपको बाद में ना दिखना एकदम, जैसे आपका ब्लॉग हुआ है ना वायरल, ऐसी हम पहले मेरे को ये मेट्रो लगा, पर फिर बाद में पता चला कि ये गेट्स क्लोज किए गए हुए हैं क्योंकि कोई अंदर, मतलब जो रेलवे वो जो ट्रैक रहता है वो उधर ना जाए। तो आप सार्थक का चेहरा देख सकते हो, भाई कितने ज्यादा थक गए, मतलब चेहरा देख के पता चल जाता है कि भाई पूरी नींद आ रही है इसको, अभी ये सो जाए अगर इधर गद्दी और चादर लेके लाए तो। पर अभी क्या ही कर, मैंने इनको बोला कि अभी अगर वो नहीं किया ना लाल किला तो बहुत आधा अधूरा हो रह जाएगा, तो इसीलिए तो अभी मेट्रो का ही वेट कर रहे। और मैं पहले से सॉरी बोल रहा हूँ भाई तेरे को, सॉरी। तो ये पहली बार साइकिल रिक्शा में बैठ रहे। तो वैसे जो पेडल रिक्शा है वो काफी स्लो है, पर कोई नहीं, बजट फ्रेंडली भी है। और उसके बाद अगर आपको दिल्ली के सड़कें अच्छी तरीके से देखनी है, थोड़ी जगह अच्छी तरीके से दिखनी है तो आइयो, तो ये काफी सही ऑप्शन है। वाओ, तो ये काफी सुंदर गुरुद्वारा है। ये गुरुद्वारा के पास में ये चर्च था और शायद से यही है लाल किला। ये गौरी शंकर मंदिर है। अच्छा, और जैन मंदिर लेफ्ट साइड में जो है वो। अच्छा, तो ये गौरी शंकर का मंदिर। तो मैक्सिमम हम इतनी दूरी से ही देख सकते हैं, तो इसके आगे गेट क्लोज है, बैरियर्स लगाए गए हुए हैं, तो कुछ ऐसा दिख रहा है रेड फोर्ट। फाइनली मेरे को जो लाल किला है वो दिख गया, मतलब मन को इतनी सुकून मिली ना, मतलब इतना मैंने सार्थक को रिक्वेस्ट की कि भाई चलते चलते चलते, तब जाके वो रेडी हो गया मानने के लिए। शाम को या फिर रात को बंद कर देते फोर्ट, तो हमें अंदर अभी जाना तो ऑब्वियसली नहीं देंगे। फिर भी मैंने उसको कहा कि बाहर से देख लेंगे, पर मेरे को एक बार देखना है क्योंकि बचपन से मैं देखना चाहता था रेड फोर्ट कैसा दिखता है। और भाई अगर दिल्ली आए है, मतलब मौका मिला है और रेड फोर्ट नहीं देखा तो भाई मेरा मन ना ऐसे, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब मैं मर जाऊंगा तब। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का ये। मेरे को एक ये गुरुद्वारा भी जाना था, बहुत ही नजदीक है, मैंने आपको दिखाया था जब हम पेडल रिक्शा से आ रहे थे तब, पर यार सार्थक थक गया है और अभी वो नहीं आएगा, मतलब और मैं भी चल चल के थक गया हूँ, तो अभी डायरेक्ट निजामुद्दीन स्टेशन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो जब से दिल्ली आया हूँ ना, तब से मैं इन दिल्ली की सड़कों पे ये देख रहा हूँ कि कुछ तो शिवजी का, शंकर का कुछ तो त्योहार मना रहे। मतलब क्या होता है कि रास्ते से जाते हैं, अलग अलग जगहों पर शिविर कैंप लगाते हैं, शिविर मतलब पता है, मैं तो कैंप, तो कैंप लगाते हैं। तो उस कैंप में क्या होता है, जो हरिद्वार से जो पवित्र पानी आता है, आई थिंक गंगा पानी, गंगा जल ही होता है उसमें, तो वो रखते हैं। और लोग क्या करते हैं, मतलब मोस्टली लड़के क्या करते हैं कि दो तीन, तीन चार जन या फिर मैक्सिमम तीन चार जन ही होते हैं, बाइक पे जाते हैं, जो जल होता है पवित्र जल वो लेते हैं। और उनके यहाँ ऐसा होता है कि जो जल है एक बार हाथ में लिया, मतलब ऐसे कंधे पे लिया या फिर हाथ में लिया, तो रखने का नहीं होता, डायरेक्ट घर में रखने का होता है। तो भाग भाग के जाते हैं, तो वो जो बाइक से, मतलब हो गया ना उनका, तो बाइक से उतरते हैं वो, फिर थोड़ी देर पे चलते हैं, थोड़ी डिस्टेंस पे चलते हैं, और फिर डायरेक्टली वो घर के अंदर रखते हैं, बीच में किधर भी नहीं रखते वो।
तो इस त्योहार को कावड़ बोलते हैं और मेरे को इस त्योहार के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो मैं कब से देख रहा था, मतलब जब हम रिक्शा से ट्रैवल करते थे ना बार बार, तो मैं ये ऐसे त्योहार देखता था साइड में रास्ते के। तो मैंने एक जनकपुरी जा रहे थे हम, तब मैंने एक रिक्शा वाले से पूछ लिया तो उसने सब कुछ बता दिया। तो रेड फोर्ट के भी एकदम सामने वही त्योहार वही कैंप चालू है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये जो रेड फोर्ट है ना, वो लास्ट टूरिस्ट स्पॉट था और लास्ट पॉइंट था हमारा ये पूरे दिल्ली ट्रिप का। तो अभी हम घर जाने वाले हैं। हमारी अभी मतलब 12 बज रहे और 26 तारीख है, अभी 27 तारीख होने वाली है। तो उसके बाद अभी हम डायरेक्ट निजामुद्दीन स्टेशन जाएंगे और हमारी 5 बजे की पंजाब मेल करके ट्रेन है, आपको पता ही होगा। तो पंजाब मेल से हम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जाएंगे और फिर मुंबई से पुणे के लिए निकलेंगे, लोकल पकड़ेंगे उधर से, देखेंगे क्या होता है। तो जो हमारी पंजाब मेल की ट्रेन है ना, वो एक्चुअली निजामुद्दीन से नहीं है, मैंने पहले निजामुद्दीन बोला था, तो निजामुद्दीन से नहीं है, प्रॉपर जो न्यू दिल्ली का स्टेशन है ना, तो वहां से है। दिल्ली का जो ट्रिप है वो खत्म होने को आया है। अभी मैं लास्ट व्लॉग शूट कर रहा हूँ पंजाब मेल टू पुणे वाया मुंबई, तो इसका आज लास्ट व्लॉग है। और अभी न्यू दिल्ली स्टेशन के एकदम सामने खाना खाने के लिए आया था, तो हम खाना खाने बैठे थे तो हमें कुछ ऐसे लोग मिले जो हमारे ऐसे इंटरेस्ट के हैं, यूट्यूबर्स है वो, तो ऐसे मतलब बहुत ज्यादा कोइंसिडेंस हो गया, तो काफी अच्छा लगा उनसे मिलके। तो मैं आपसे उनको मिला देता हूँ। हेलो, तो आपका नाम क्या है? ऋतिक। तो आपके चैनल का नाम बता दो। नाम नहीं, एक शो बोर्ड है और एक मेरा अच्छे लड़का चैनल है जिसके हम कोलैबोरेशन वगैरह करते हैं। अच्छा, तो अभी अभी डालते नहीं हो ना? अभी अभी हम अभी छोड़ रखा है, अभी हम वेब सीरीज पे काम कर रहे हैं। तो उसी चैनल पे आएगा, उसी चैनल पे हमारी भी आएगी जो भी है। तो देखो, तो अभी मैं भी चैनल चेकआउट करने वाला हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी बैटरी डेड हो गई है फोन की, तो मैं घर जाके तो डेफिनेटली चेकआउट करने वाला हूँ। घर जाके क्या अभी ट्रेन, जब ट्रेन में बैठूंगा तब चार्ज करूंगा, तभी इनका चैनल चेकआउट करने वाला हूँ मैं। और मैं इनका चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और यहाँ पर भी मेंशन कर दूंगा स्क्रीन पे, तो जरूर इनके चैनल को चेकआउट करना क्योंकि काफी अच्छी वेब सीरीज आने वाली है। एंड आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। और दूसरे यूट्यूबर से मिलते हैं, तो आपका नाम क्या भैया? मनन। मनन, तो आप गेमिंग भी करते थे ना? करता था, मैंने यूट्यूबिंग करता था एंड वेरी सून आई एम कमिंग लाइव आफ्टर 6 months। अच्छा, आ रहे हो आप 6 months बाद ना? हो क्योंकि मेरे कुछ प्लान है। अच्छा, उसी प्लान को परसू करके मैं वहाँ पे आऊँगा 6 महीने बाद, क्योंकि एक बड़ी पब्लिक लेके आऊँगा। अच्छा, और आप मतलब गेमिंग कर देते थे, कौन सा गेम खेलते थे मोस्टली? पबजी, वैलोरेंट, हॉरर गेम्स एंड ऑल। ओके, काफी अच्छा है। तो चैनल का नाम? चैनल का नाम है मनु द गेमर। मनु द गेमर, उसको आपका तो नाम तो बता दो। लाल धन। क्या क्या? लाल धन कोई चैनल नहीं है, मजाक कर रहे हैं, गौर से देखिए। सिखा रहे भाई? नहीं यार, मजाक कर रहा था, ऐसा कोई चैनल नहीं है, हंसी मजाक चलती रहती है। तो आप सबसे काफी अच्छा लगा मिलके। थैंक यू सो मच फॉर वेलकमिंग मी टू योर चैनल एंड बहुत ग्रो करो, बहुत अच्छी जर्नी है, थोड़ी पेनफुल भी रहेगी। हाँ, ठीक है। जैसे आप पुणे से रहते हो, हम दिल्ली से रहते हैं, तो ब्लॉग करने के लिए आप यहाँ तक आए हो, इट्स वेरी ग्रेटफुल। कुछ ना कुछ कर रहे हो और ये चीज आपको बाद में ना दिखना एकदम से, जैसे आपका ब्लॉग हुआ है ना वायरल, ऐसी हम भी मेट्रो में एक बार बात कर रहे थे तो एकदम से वो वाली प्राइम वीडियो थी ना, जो हमारी एकदम से वायरल हो चुकी थी, पहले 10,000 हुई, फिर हमने उस टाइम चैनल लेट हो चुका था हमारा, फिर हमने कहा चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अगले महीने वो 1,00,000 पहुंच गई। अरे तो ऐसी फिर दूसरी वीडियो मेरी 1,00,000 पहुंच गई, 2 वीडियो हमारे चैनल पे जो 1,00,000 पहुंच गई। आज वो वीडियो जो है 16,00,000 पे है। बाप रे, और अभी वीडियो बढ़ चल रही है। अरे लाइफ टाइम व्यूज आएंगे। वीडियो से सिर्फ हमारे 5,000 सब्सक्राइबर बढ़े थे, आई गेस सिर्फ 5,000 सब्सक्राइबर बढ़े, आई डोंट नो व्हाई।
लेकिन अभी हमने इतना ध्यान नहीं दिया, जॉब्स वगैरह में लग गए अपन। और मैं अभी अब दो फिल्म सिटी में मिलूंगा नोएडा में, तो मैं वहाँ पे एज अ प्रोग्राम प्रोड्यूसर हूँ, तो प्रोड्यूस वगैरह प्रोडक्शन हाउस मारवा स्टूडियो में। तो ऐसा आप देखोगे मुझे वहीं पे, इनका बिजनेस है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। आप तो मल्टी टैलेंटेड निकले सर। सर तो हम जरा नाइस मिले सर। My hands up for help, I'm asking for the first time. It's been hell, so carry me away.